यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है रेवाड़ी से, जहां एक चाचा ने नाबालिग को हवस का शिकार बनाया है। जी हां, एक चाचा ने ही इस कुकर्म को अंजाम दिया, टॉफी का लालच देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया है। इतना घिनौना काम किया है उस चाचा ने, चाचा कहना भी मुनासिब नहीं है। छठी कक्षा में पढ़ती है 11 साल की नाबालिग, जिससे इस दुष्कर्म को, इस कुकर्म को किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और कोसली थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आ रही है, कोसली थाना क्षेत्र की घटना है। एक चाचा ने कुकर्म किया अपनी ही भतीजी के साथ। जी हाँ, एक चाचा ने टॉफी का लालच दिया, टॉफी का लालच देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया और रिश्तों को फिर से एक बार तार तार कर दिया गया। तो हालांकि अभी कानून में पॉक्सो एक्ट के तहत प्रावधान हुआ है कि 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ इस तरह का कुकर्म होता है तो आरोपी को फांसी की सजा दी जाएगी। उसके बाद भी ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और हरियाणा में तो जैसे जो आरोपी हैं, जो दरिंदे हैं, जो बदमाश हैं, जो हवस के पुजारी हैं, वो जैसे बेलगाम हो गए हैं। और एक ऐसा ही मामला सामने आया, छठी कक्षा में पढ़ने वाली 11 साल की मासूम से कुकर्म किया गया और कुकर्म करने वाला कोई और नहीं, उसका ही चाचा। और लालच दिया टॉफी का, टॉफी का लालच देकर उस बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया उस कलयुगी चाचा ने। और फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कोसली थाना क्षेत्र की ये सारी घटना बताई जा रही है। तो लगातार हरियाणा में देखा जाए तो ग्राफ जो रेप का है, बलात्कार का है, वो बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब सरकार को यूं तो 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ इस तरह के कुकर्म करने वाले को पॉक्सो एक्ट के तहत अब फांसी की सज़ा का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं ऐसी घिनौनी वारदातें।